वेलकम टू करंट बैस्ट्री। आज 26 फरवरी 2024 और आज के डेट में मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के देखते हुए मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा और इम्पॉर्टेंट लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का जो लेटेस्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। और आज के डेट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूं और उसका जो पहला क्वेश्चन है वे है कि हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बाद में है आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वे है कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। जो वियतनाम है वे 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जानकारी के लिए मैं गाइज आपको बता दूं कि वियतनाम का जो कैपिटल है वो है हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग और पीएम जो है फॉर्म हिन चिन। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है गाइज आपके सामने वो है कि हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। और यूएई का जो कैपिटल है वे है अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके बाद में इस समय यूएई और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत ही बेहतर है। अभी पीएम मोदी यूएई और कतर भी गए थे। यूएई में पीएम मोदी ने पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा भी दिया है और भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है गाइस आपके सामने वो है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में धर्म भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है और जापान का जो संस्करण है कौन सा संस्करण है तो 5वां संस्करण है। जो धर्म गार्जियन का जो संस्करण कौन सा है 5वां है और ये जो कहाँ हो रहा है जापान के साथ तो हो रहा है लेकिन भारत में किस जगह पर हुआ तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ और इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। जापान का जो कैपिटल है टोक्यो है, करेंसी येन होगा, पीएम फुमियो किशिदा और जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए। इसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन है वे है कि हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद में है 6ठा क्वेश्चन जो है वे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 4150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारका, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे जो पीएम मोदी हैं जैसे कि जल के अंदर ये जो द्वारका है वे जल के अंदर डूबी हुई है और इसका पीएम मोदी जो हैं वे समुद्र में जा करके ये द्वारका का दर्शन किए हैं और हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जो द्वारका है वे श्री कृष्ण के समय ही समुद्र में डूब गई थी। तो वहाँ पे जो पीएम मोदी हैं वो समुद्र में जा करके द्वारका का दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना किए। इसके बाद में जो 7वां क्वेश्चन है जो आपके सामने वो है कि हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर इलहाम अलीयेव और ये 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
इसके बाद में अजरबैजान का कैपिटल होगा बाकू, करेंसी हो जाएगा अजरबैजानी मैनेट और प्रेसिडेंट इलहाम अलीयेव। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, वह हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा का कैपिटल त्रिपुरा का कैपिटल क्या हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा। और सीएम मानिक साहा हैं और गवर्नर कौन है, इंद्र सिंह रेड्डी। इसके बाद त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक लाइन है जिसको बोलते हैं जीरो लाइन। और इसका जो त्रिपुरा का जो भाषा है वे मूल भाषा क्या है, कोकबरोक। और कोकबरोक दिवस भी मनाते हैं, 19 जनवरी को मनाया गया था। इसके बाद में गैस जो नया क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हो जाएगा ओडिशा। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वे मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री भी हैं और कौशल विकास मंत्री भी हैं। और ये किस लिए, ये परियोजना किस लिए किया गया है, ये इसलिए किया गया है जो राष्ट्रीय विकास उद्यमिता, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास जो परियोजना का उद्घाटन किया गया है ओडिशा में, वो किस लिए किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि जो जो स्टूडेंट हैं वे किताबी उन ज्ञान ही ज्ञान न रखें बल्कि किताब के अलावा जैसे फील्ड वर्क का भी ज्ञान रखें, जो मार्केट में जैसे डिमांड हो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दिया जाए ताकि वो किसी फील्ड में अपना वर्क कर सकें। इसके बाद में ओडिशा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। सीएम कौन है, नवीन पटनायक हैं। गवर्नर हो जाएगा रघुवर दास। और जो एक भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर है जो सोम राजवंश ने बनवाया था। इसके बाद में जो दसवां क्वेश्चन है वे है कि हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। WPL वुमेन्स प्रीमियम जो लीग है उसका दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है 2024 का। और इस बार दो ही स्टेडियम ही हुआ है, पहला चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है और दूसरा अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। यही दो स्टेडियम में हुआ है। इस बार इसमें 5 टीम हिस्सा ले रही है और पहला मैच जो हुआ है मुंबई और दिल्ली के बीच में हुआ है, वो कहाँ हुआ था, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है वहाँ पे हुआ है। इसके बाद में सबसे महंगा जो खिलाड़ी है इसमें वे कौन है, तो काशवी गौतम थी जिन्होंने गुजरात के टीम ने 2 करोड़ रुपए में क्या किया था, तो खरीदा था। इसके बाद गाइस आज का जो 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं डेली 10 क्वेश्चन के बाद मैं एक जीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो आज का जो जीके का जो क्वेश्चन है वे है, जो जीके क्वेश्चन जो आज का है वे है कि किस देश में गाली देने पर 5 साल की सज़ा होती है, तो इसका ऑप्शन है भारत देश, अमेरिका देश, क्यूबा, ब्राज़ील। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो कल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। कल का जो क्वेश्चन था, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। तो गर्ल्स आज का जो 10 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। और मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद।